हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आपका अपने इस चैनल डीके फैन नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको व्हाट्सअप की कुछ न्यू फीचर्स के बारे में। हो सकता है इसमें से आपको कुछ पता भी हो, कुछ ना पता हो। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और लास्ट में मैं आपको एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो कि अभी नया आया है और उसका क्या उपयोग है और कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेट ना करते हुए चलते हैं अपने व्हाट्सएप की ओर और वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डीके फाइनेंस नॉलेज चैनल को और बगल की घंटी को भी दबाइए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप की ओर और जानते हैं उन सेटिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले आपका अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर में थ्री डॉट दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे पेमेंट भी आपको क्लिक कर देना है। तो अभी दोस्तों ये नया फीचर आया, अगर आपने अपना व्हाट्सएप अभी अपडेट नहीं किया है तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। और जैसे आप अपने अगर व्हाट्सएप को अपडेट कर लिया तो ये फीचर आपको दिख जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कि अपने ऐप्स को कैसे अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप दोस्तों इसमें यह दिया है कि जैसे आप गूगल पे का यूज कर सकते हैं, फ़ोन पे का यूज अगर करते हैं इस तरीके से, तो अब आपको व्हाट्सएप में ही ऑप्शन मिल रहा है कि आप यूपीआई वगैरह यूज कर सकते हैं। यहाँ से अपने ऐड बैंक अकाउंट में अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड कर लेंगे, चाहे कोई भी आपका किसी भी ब्रांच में हो, सभी का इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐड करके अपना जो पेमेंट वाला काम है उसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप ने अब पेमेंट वाला ऑप्शन इसी में दे दिया है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि दूसरा फीचर क्या है। तो यहाँ पे आपको ऊपर में थ्री डॉट में क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा पे जाना है, ठीक है। स्टोरेज एंड डाटा पे यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन दिया है। मैनेज स्टोरेज में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आपका जो मोबाइल का डाटा है वो कितना घिरा हुआ है, किस व्यक्ति से आपने कितना ज़्यादा बात किया है, किससे जितने भी आप डाटा शेयर करते हैं जैसे फ़ोटो वगैरह, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपका स्टोरेज को वो घेर लेते हैं और आपका जो स्टोरेज है मोबाइल का वो फुल बनाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि आपने किस ग्रुप में या किस व्यक्ति से बात किया और आपका कितना डाटा फुल हो चुका है। तो यहाँ से आप अगर आप उसे चाहें तो क्लिक करके उसको डिलीट भी कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है, सेलेक्ट करके। तो होता क्या है कि आप जब भी वीडियो वगैरह कुछ भी शेयर करते हैं, फ़ोटो वगैरह, तो उसको आप शेयर तो कर देते हैं लेकिन उसको क्या होता है कि डिलीट करना है भूल जाते हैं, जिससे आपका जो व्हाट्सएप का स्टोरेज है वो फुल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। व्हाट्सएप का मोबाइल का स्टोरेज आपका फुल हो जाता है जिससे आपका मोबाइल स्लो होने लगता है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ये पहले भी था लेकिन अब इसको व्हाट्सएप ने थोड़ा सरल तरीके से कर दिया है ताकि आपको पता चल सके कि आपका स्टोरेज कितना, किसके साथ आपका स्टोरेज, मतलब किससे आपने जितना बात करी है उसका स्टोरेज कितना घिरा हुआ है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अब बैक करते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अब बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में, ठीक है। तीसरा फीचर ये है कि दोस्तों कि जैसे आप किसी के बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मेरा एक फ्रेंड है और मैंने बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का एक मतलब फ़ोटो लगा रखा है। तो यहाँ से होगा क्या दोस्तों कि इस फ़ोटो को आप अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितने पहले होता था कि एक व्यक्ति के लिए आप मतलब एक व्यक्ति से अगर बात कर रहे हैं तो वही सब में रहेगा, ठीक है, लेकिन अब आप अलग अलग जितने भी फ्रेंड हैं उनके बैकग्राउंड में आप अलग अलग वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो चलिए वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थ्री डॉट दिया है, यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वॉलपेपर में जाएंगे। वॉलपेपर में जाने के बाद यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ब्राइट वॉलपेपर दिया होगा, अगर आप ब्राइट वॉलपेपर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्राइट वाला कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डार्क वॉलपेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से डार्क वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप नॉर्मल कलर कर सकते हैं, अगर आप केवल फ़ोटो वगैरह नहीं चाहते, केवल बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हैं कलर, तो यहाँ से आप उसका कलर भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ से आपको दोस्तों अगर आप अपना कोई फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो या कोई भी फ़ोटो अपना यहाँ पे डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा दोस्तों। इसमें पहले क्या था, पहले भी था ये ऑप्शन लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के लिए नहीं था, लेकिन अब अलग अलग दोस्तों के लिए आप अलग अलग बैकग्राउंड इसमें लगा सकते हैं।
तो चौथा मैं बताता हूँ दोस्तों, चौथा फीचर के बारे में, ठीक है। चौथा फीचर ये है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं व्हाट्सएप में, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि आप उन चैट्स को डिलीट करना भूल जाते हैं, वो चैट्स बहुत दिनों से पड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप जैसे अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने, ये मेरा फ्रेंड है, इसको ओपन किया है, इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैसेज का, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है, इसमें अगर आप इसको, इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं दोस्तों, तो आप जिससे भी बात किए हैं या फिर जिस ग्रुप में या फिर कि जिस व्यक्ति से बात किए हैं, आपने जो भी चैट किया है दोस्तों, वो इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो वो 7 दिनों के बाद ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इनक्रिप्टेड मतलब उसको कोई भी जो देखा होगा वही देख पाएगा। अगर उसका कोई फ़ोटो खींच लेता है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेता है तो वो अलग बात है, लेकिन इसमें अभी केवल 7 दिन का ऑप्शन दिया है। अगर इसको और भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन देता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, अगर व्हाट्सएप ऐसा करता तो। बट अभी इसमें 7 दिन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर 7 दिन के बाद आपका जो चैट है जिस व्यक्ति से आप करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, जैसा मैसेंजर में होता है। तो मैसेंजर में तो 5 सेकेंड का है, 10 सेकेंड का है, 1 मिनट का है, 5 मिनट का है, ठीक है। वैसा अगर इसमें भी दिया होता मैसेज डिलीट करने के लिए ऑटोमेटिक, तो अच्छा होता। अगर आप मैसेंजर का यूज करना चाहते हैं कि कैसे उसमें हाइड चैट करते हैं, वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसको आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है लास्ट सेटिंग दोस्तों, जो व्हाट्सएप का न्यू अभी आया है। अगर आपके अपने अपना व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो ये फीचर आपको नहीं मिलेंगे। आप तो अपना व्हाट्सएप को जल्दी से अपडेट कीजिए और इन फीचर का यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छे फीचर हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी जानकारी के लिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो फिर मिलेंगे किसी नई टेक्निक, नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।